आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हो और कुछ जो हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं उनका रेफरेंस मैं इस चैप्टर में लूँगा। होप कि आपने क्लास 9th में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और 10th की ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे, सुने और पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आता है इकनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकनॉमी जो है ये वो एक्टिविटीज़ हैं, लीगल एक्टिविटीज़ हैं किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में जिससे आप पैसे कमा सकते हो, चाहे सरकार है चाहे आप है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ लीगल होनी चाहिए तो उनको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं और उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स मींस कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कैसे कर रहे हो, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स के बारे में, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। आपके रिवीजन के लिए ब्रीफली बता देता हूँ। प्राइमरी मींस वो सेक्टर जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं या माइनिंग करते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वो काम जिसमें हम डायरेक्टली क्रॉप्स या मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घरों में आप खेतों में चावल अनाज उगाते हैं और अपने इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सीधा उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोडक्ट होते हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और उसको फिर इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वीट, उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पहले आटा बनाना है, ठीक है, उसके बाद उसको किसी फैक्ट्री में ले जाके ब्रेड या बेकरी के बिस्किट या बेकरी की और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे या सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, यानी कि ब्रेड की जो फैक्ट्री है या बेकरी की जो फैक्ट्री है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे टर्शरी। देखो, टर्शरी जो है ये तीसरा सेक्टर है, इसमें बेसिकली कुछ बनाना नहीं होता, बेसिकली इसमें सर्विस होती, यानी कि वो प्रोडक्ट जो फिज़िकल नहीं होते, जैसे लेबर, ब्रेड को बनाने में जो लेबर लगा, जो कारीगर लगे, जो टेक्निक लगी, या जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी आपकी नहीं है लेकिन वो गाड़ी वाला आपको सर्विस देता है, उसी तरह टेलर हो गया, उसी तरह सलून हो गया, ठीक है, उसी तरह हॉस्पिटल हो गया जहाँ पर आपको सर्विसेज मिलती हैं, या टेलीकॉम हो गया जहाँ पे आपको कोई फिजिकल गुड नहीं मिलता लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सर्विस मिलती है, तो उसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। और ये टर्शरी सेक्टर जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसे भी सपोर्ट करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। उसके बाद आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अपने स्टेट की इकोनॉमी को भी हम इसी 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर किया जाता है, ज़्यादातर ज़मीन का काम किया जाता है, फसल का काम किया जाता है। तो ओवरऑल हमारी जीडीपी में, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं,
जिसकी कोई वैल्यू होती है, मॉनिटरी वैल्यू होती है, पैसे की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं और सर्विसेज भी होते हैं किसी एक जगह के। तो हर कंट्री का जीडीपी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं कि कोई मुल्क कितनी सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है किसी टाइम ड्यूरेशन में, और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू कितनी है, पैसे वाली वैल्यू उसकी कितनी है। उसी तरह एक और टर्म होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ जीडीपी, लेकिन वो एक स्टेट कितना कर रही है, स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रही है वो सर्विसेज और गुड्स, वो स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। हमारी स्टेट की जो जीएसडीपी है उसका रेशो जो है आगे स्क्रीन पे है, प्राइमरी सेक्टर जो है 21% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि हमारी फसलें चाहे फ्रूट हैं, चाहे अनाज हैं, चाहे सब्जियां हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, वो 21% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी जीडीपी में, हमारे स्टेट की जीडीपी में। उसके बाद 22% जो है सेकेंडरी सेक्टर में है, यानी कि वो गुड्स जो फैक्ट्रीज़ में जाके दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जैसे लकड़ी है, पेड़ से लकड़ी लाई जाती है, उसके बाद ज्वाइनरी मिल्स में उसको लेके दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल वगैरह बनाए जाते हैं, या दूध है, दूध फैक्ट्रियों में जाता है, उसके बाद दही या दूध से बने हुए और भी सारे प्रोडक्ट फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और आप तक पहुँचते हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 22% हमारी जीडीपी में। और जो टर्शरी है वो है 57%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी है। एक बात सोचने वाली है, जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी होगा उतना ही कोई स्टेट या कंट्री जो है, ठीक है, उतना ही वो सेल्फ डिपेंडेंट बनती है। इस बात को याद रखिएगा, जितना भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर होगा ज़्यादा, कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसका जीडीपी में, उतना ही वो कंट्री या स्टेट जो है सेल्फ सफिशिएंट बनने की तक कगार पे पहुंचती है। तो अगर हम डेटा देखें 2014-15 का, 2010 और 2010-11 से लेके 2013-14 तक, तो हमने देखा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, अपनी बुक पे देखिएगा, वो जो है वो कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो टर्शरी है सेक्टर है वो ज़्यादा हुए हैं हमारे स्टेट में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है जीडीपी के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो 20-25% रह गया है टोटल, और जो सेकेंडरी टर्शरी है वो 50-60% इंक्रीज़ हो गया है। तो दूसरी बात ये भी है कि इन 2010 से लेके 2014 तक, यानी कि आज तक भी, 2020 तक भी देखा जाए, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती ही जा रही है। उससे ये हो रहा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मीन्स कि जितनी हमारी जीडीपी है डिवाइडेड बाय जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो उससे निकल के जो कमाई आती है कि पर पर्सन को कितना हिस्सा आता है पैसे में या इनकम में या मनी में जिस स्टेट के पास है, तो वो भी कम हुआ है ना कि बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हमारे प्राइमरी सेक्टर में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको मालूम ही है क्या होता है, एग्रीकल्चर इज कल्टिवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। अच्छा, एग्रीकल्चर में आपको बताया था मैंने कि दो तरह की फसलें होती हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स, वो भी आपको मालूम है, खरीफ कब होती है, रबी कब होती है। खरीफ वही, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मॉनसून के सीज़न में से लेके मई अक्टूबर तक खरीफ होता है, और रबी जो है विंटर क्रॉप होती है, नवंबर टू मार्च को कल्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्रॉप बताई थी जैद सीज़न, मैंने आपको बताया था वो खरीफ और रबी के बीच में जो टाइम बच जाता है उसके दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उनको जैद बोलते हैं, अगर आपको वो याद होगा तो। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो एग्रीकल्चर में मेन मेन फसलें कौन सी हमारे पास मेन फसलें हैं राइस। राइस जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिवीज़न, और कश्मीर डिवीज़न, दोनों डिवीज़न में उगाया जाता है।
लेकिन जम्मू डिवीज़न में जो राइस है वो यूजली बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। आरएसपुरा में बासमती चावल के लिए फेमस है। इसी तरह कश्मीर में जो चावल उगाया जाता है वो यूजली वैली में ही कंज्यूम किया जाता है। अनंतनाग को राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि कश्मीर का जो राइस है, वैली का जो राइस है, वो बेचा नहीं जाता, प्राइमरी उसको कंज्यूम किया जाता है वैली के अंदर ही। उसके बाद आता है मेज़, मक्की, ठीक है, तो इसकी भी बहुत बड़ी पैदावार होती है हमारी स्टेट में। ज़्यादातर ये उधमपुर, डोडा, रजौरी, कुपवाड़ा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। इसके बाद पल्सिस, बहुत तरह की पल्सिस जो हैं हमारे स्टेट में उगाई जाती हैं और एक खरीफ फसल होती है। और ज़्यादातर फसलें होती हैं राजमाश, रेड किडनी बीन्स इनको बोलते हैं, मूंग दाल, माह की दाल, और भी बहुत सारी दालें हैं हमारे स्टेट में उगाई जाती हैं। इसके बाद आ गया वीट, गेहूं, ठीक है, तो वीट जो है ज़्यादातर जम्मू डिवीज़न में उगाया जाता है और इसका भी ज़्यादातर हिस्सा जो है सेल्फ कंजप्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसको एक्सपोर्ट या बाहर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उससे हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ठीक है, हमारी पैदावार बहुत बढ़ी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हाई यील्ड वेराइटीज़ आई क्रॉप्स की, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिली, ठीक है, इसके बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट भी प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब क्या क्या मिलती हैं वो हम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे जॉइनरी, फार्मास्यूटिकल, विल्लो, ये सब मिलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पे जो टेबल आ रहा है, तो इसमें हमने ये दिखाया है कि डिवीज़न के हिसाब से कि किस डिवीज़न में कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। तो जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा इलाका फॉरेस्ट के अंदर आता है, उसके बाद कश्मीर में और उसके बाद लद्दाख में। देखिए, ये बुक जब छपी है तब लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट था, इसीलिए यहाँ पर लद्दाख भी मेंशन है, ठीक है। तो डिवीज़न से यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, अब लद्दाख एक यूटी है, लेकिन चूंकि आपके बुक में लद्दाख डिवीज़न दिया हुआ है तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। तो जम्मू में जो है फॉरेस्ट में, उसमें खासकर खेर, टाली, कोकू, इस तरह के पेड़ मिलते हैं और ये एक सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट है। सब ट्रॉपिकल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9th में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बन्नी, लोहीमल, हर ब्लॉक, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, चुनाव वैली में जो है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। इसमें जो कॉमन पेड़ हमें मिलते हैं वो देवदार और चीड़ के। इसके अलावा कश्मीर में जो हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट हमको मिलते हैं। इसमें जो पॉपुलर प्लांट हैं वो है पाइन, बुडुल, मैपल और देदौर। लद्दाख में भी हमें कुछ पेड़ मिलते हैं। इसमें जो फॉरेस्ट हैं उनको कोल्ड एरिड जोन के फॉरेस्ट कहा जाता है। इसमें जो खास तरह का पेड़ है उसको किक्कर कुल छस्तवान, किक्कर कुल आपने सुना होगा, तो वो लद्दाख में मिलता है। तो अब फॉरेस्ट पे कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है, यानी पहले जो है वो है जॉइनरी या फिर बैंडसाज कौशर पर। तो बैंडसाज में जो प्राइमरी एक्ट जो होता है मेन, वो होता है हमारा वुड, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी जंगल से ही फुलफिल होती है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल वो दवा, इसके लिए हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और मेडिसिन प्लांट से ही होती हैं, वो भी हमें जंगल से ही मिलती हैं। उसके बाद आ गया विल्लो के बैट बनते हैं, ठीक है, कश्मीरी विल्लो बहुत फेमस है बैट बनाने के लिए। विल्लो एक खास तरह का पेड़ है जो नदी किनारे उगता है और इससे बैट, हॉकी, बेसबॉल, इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं खेलने के लिए। तो कश्मीरी विल्लो बहुत फेमस है। सबसे बड़ा जो कारोबार है इसका, विल्लो का, वो हमें संगम के पास देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप श्रीनगर गए होंगे तो आपने देखा होगा संगम के पास बहुत सारी बैट फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे शोरूम्स हैं जहाँ पर बैट मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रेयरिंग ऑफ लिविंग स्टॉक, यानी कि गुप्पन रक्षी,
या पालना, वट एवर जो भी आप कह लो, तो यहाँ इसको हम पशुपालन भी बोलते हैं। तो वो भी जो है वो भी एक मेन प्राइमरी सेक्टर है इनकम का इकनॉमी में, जम्मू कश्मीर इकनॉमी में एक बहुत मेजर सेक्टर है। इसमें हमें क्या मिलता है, जैसे वूल्स मिलते हैं, इसमें गई तीर रछी गोपन डोमेस्टिक एनिमल वो सब चीज़ें, ठीक है, जैसे चिकन हो गया, शीप हो गया। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नुमैडिक गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। और इकनॉमी में ये बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिल्क प्रोडक्शन, तो दूध का प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं की वजह से होता है। जब हम गोपारेल रचो तेली तभी हम मिल्क का प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो इसी मिल्क प्रोडक्शन पे, मिल्क के ऊपर बहुत सारी कंपनियां बेस्ड हैं, जैसे हम नाम सुनते हैं खाइबर, स्नो कैप, जमजम। तो ये लोग क्या करते हैं, पैकेट दूध बेचते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक इंडस्ट्री बन गई है पुलवामा में। आपको याद होगा पुलवामा एक डेयरी सेक्टर के तौर पे उभरा हुआ है और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इसी के अलावा दूसरा है वूल, ठीक, वूल जो है वूल को ईयर, तो इसमें भी बहुत सारे तरीके के वूल्स हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ईयर छो आसन, इससे बहुत सारे कपड़े वूलन कपड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे कपड़े फेमस भी हैं कश्मीर के, ठीक है। तो इससे भी जो है एक लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक जम्मू कश्मीर की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो है आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मींस कि फ्रूट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक साइंस है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर आप कह लो, साइंस कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, आर्ट कह लो, ठीक है। तो जो फ्रूट्स के से डील करती है, क्योंकि हम जो फ्रूट्स पे हमारी इकनॉमी जो है प्राइमरी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसमें मेजर फ्रूट जो हमारे पास आते हैं वो एप्पल है, पेयर है, एप्रिकॉट है, अच्छा, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक। तो और यहाँ के फ्रूट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो इसीलिए हॉर्टिकल्चर खुद में एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकनॉमी में। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे फार्म भी इस्टेब्लिश किए हैं, और साथ ही साथ फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत सारी टेक्निकल गाइडेंस दी जाती हैं, और ताकि उनके फ्रूट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कैब फ्री रहें, पैदावार ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा अच्छी हो, और नई नई हाई ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इनकम हो सके, ठीक है। इसी के तहत हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कॉरपोरेशन खोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए नए नए तौर तरीके सिखाए जाते हैं लोगों को, और एजाज भी, और साथ ही साथ नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे फ्रूट जो है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पैदावार दे सके, ताकि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बन सके। हॉर्टिकल्चर की जब बात करें तो 7-8% जो स्टेट का जीडीपी है ये कंट्रीब्यूट करता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ के करीबन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी नर्सरी जो हैं जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स बेचती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 282 ऐसे लोग नर्सरीज हैं जो बेचती हैं, जिनका साल ओवर का टर्नओवर 9 करोड़ रुपये के करीबन होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है ये सेक्टर, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर। उसके बाद जो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मींस फ्लावर, ठीक है, और सीड्स जनरेट करना, बनाना, ग्रो करना, उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इसी फ्लोरिकल्चर के तहत डिपार्टमेंट ने, आपको याद होगा, श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जो है वर्ल्ड फेमस है, जिससे बहुत सारा रेवेन्यू होता है, एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट से जो है बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी तरह फ्लोरिकल्चर वालों ने बहुत सारी पार्क्स जो हैं अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे, इवन हमारे पहलगाम में, इवन मुकाम में भी हमको देखने को मिलते हैं फ्लोरिकल्चर वालों ने। इवन हमारे स्कूल के बैक साइड पे आप देख लो, पार्क नई बनी है, फ्लोरिकल्चर वालों ने ली है। तो वहाँ पे भी क्या है, बेसिकली जब वहाँ पे फूल वगैरह उगाए जाते हैं तो टूरिस्ट जो हैं वहाँ विजिट करते हैं, तो उससे इनकम जनरेट होती है। तो इसी तरह एक फ्लोरिकल्चर जो है खुद में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी
को सपोर्ट करने वाला डिपार्टमेंट या एक्टिविटी बन जाती है। इसके अलावा अगर सेरिकल्चर, सेरिकल्चर आपको मालूम ही है, सिल्क वॉर्म और सिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर वैली में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घरों में सेरिकल्चर करते होंगे, ठीक है, और आपको सेरिकल्चर के बारे में ज़्यादा मालूम होगा। तो सेरिकल्चर से जो साल भर की इनकम है, 2013 और 14 के जो फिगर हैं यहाँ मेरे पास, वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 2,226 लाख। इतना इनकम सिर्फ 2013-14 में जो है सरकार को सेरिकल्चर से हुआ, सरकार मीन्स स्टेट को। उसके बाद आ गया फिशरीज़। तो फिशरी भी एक जो है एक्टिविटी है, एक डिपार्टमेंट है, एक एक्टिविटी है जो इकनॉमी, जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को बहुत हेल्प करती है। अच्छा, इसके तहत जो है बहुत सारे फिशरी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एक्वेरियम खोले हुए हैं और बहुत सारे फार्म्स खोले हुए हैं। जैसे ट्राउट फिश जो है आप सबको मालूम है कितनी फेमस है, इसी के तहत बहुत सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट फार्म्स खोले गए हैं जहाँ पे इन तरह फिशेज़ को क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है, चार्ट एक पालन स्थित एवं फिर लोग उनको ख़रीदते हैं, और जब वो ख़रीदते हैं तो उससे क्या होते हैं, पैसे जनरेट होते हैं। अगर आप कोकरणा गए हैं, जो कि आप गए ही हैं, और वहाँ पे भी आपने जो है एशिया की सबसे बड़ी फिशरी फार्म देखा है आपने वहाँ पे, तो वो फिशरी डिपार्टमेंट का है। उसी तरह एक फिशरी जो है वो हमें पहलगाम में भी देखने को मिलता है फिशरी फार्म, उसी तरह एक अक्कड़ में भी है, और इसी तरह कुछ जो हैं वो प्राइवेट भी हैं हमारे, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, इवन हमारे ही तहसील में। उसके बाद जो अगला है वो होता है मिनरल्स का। मिनरल्स आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ज्योग्राफी के चैप्टर में मिनरल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम मोस्टली कौन से मिनरल्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, वो है लाइमस्टोन, ठीक है, सीमा प्रोडक्शन में यूज़ होता है, 75% तो लाइमस्टोन ही होता है, वो यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद सिलिका, जिप्सम, कोल और नीलम सफायर। तो लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, इसके बारे में हम ऑलरेडी ज्योग्राफी में पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेफ्रम और नील यानी कि नीलम के बारे में भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये किश्तवाड़ में मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे खोयमुख, ख्रिव, श्रीनगर में लाइमस्टोन मिलता है, कुपवारा में हमको मार्बल मिलता है, कालाकोट जम्मू कश्मीर में हमें कोल मिलता है, पड्डर किश्तवाड़ में सफर मिलता है, बारामूला में हमें जिप्सम मिलता है, उसी तरह सदर कोट, बांडीपुरा में लाइमस्टोन, वेरीना, अनंतनाग में लाइमस्टोन, नीचहामा, हंदवारा में लिग्नाइट मिलता है, पंथाल रामबन में हमें मैग्नीसाइट मिलता है, और लद्दाख डिवीज़न में हमें गोल्ड, यूरेनियम और सल्फर, सल्फर अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड क्योंकि वहाँ पे सल्फर स्प्रिंग्स हैं, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ ज्योग्राफी के चैप्टर में कि वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। तो जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इनका इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाता है और सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर की तरफ कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। देखो तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे पहली एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग मींस कि कोई भी चीज़ आप बनाते हो, अच्छा ठीक, क्या बनाते हो, जैसे टेबल, कुर्सियाँ, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। हालांकि इसका जो रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी से मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी में ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कश्मीर के कारपेट बहुत मशहूर हैं, ठीक है, गलीचे जिसको हम बोलते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो सुल्तान जैनदुल आबदीन ने
परेशिया से कारपेट वीवर इधर लाए थे, उसके बाद यहाँ पे जो कश्मीरी है उन्होंने ये काम सीख लिया और आज की डेट में कश्मीर में ये काम जो है बड़े ज़ोरों शोरों से किया जाता है। इसके अलावा शॉल, कश्मीरी शॉल भी बहुत मशहूर है। तीन तरह के कश्मीरी शॉल बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक शाहतूत, एक पश्मीना, एक रफल। हालांकि शाहतूत बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो इलीगल करार दे दिया गया है, क्योंकि शाहतूत को बनाने के लिए जो वूल चाहिए, जिस गोट से वो वूल मिलता है, वो अब एंडेंजर स्पीसीज हो गई है। तो इसी तरह दो और तरह के जो मशहूर शॉल हैं वो पश्मीना शॉल है और रफल शॉल है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है क्या किया है, रोज़गार दिया है, लोगों को बहुत सारे रोज़गार दिया है, तो रोज़गार का ज़रिया है ये। इसके अलावा जो है वुड कार्विंग की जाती है, नक्शा नगारी, लकड़ी पैठवन करना, अक्सर आपने देखा होगा बेड्स, वॉल कार्विंग अथवा वुड पैनलिंग छः सवानन, बहुत बड़े बड़े होटल्स में हमको देखने को मिलती हैं, आजकल घरों में भी देखने को मिलती हैं, बेड बनाए जाते हैं। उसी तरह कुर्सियां होती हैं जिसपे नक्शनगारी शिवन कर्ण, उस पर बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फूलों के, फ्रूट्स के, चनार लीव्स के। तो एक ख़ास पहचान है वो कश्मीर की और एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी है। उसी तरह लद्दाखी कारपेट, लद्दाख में भी कारपेट बनाए जाते हैं जिसको खालिदान बोलते हैं और तुस्कंद बोलते हैं, मगर तुमछन कन्न यवन के उनको बेचा नहीं जाता, वो उनके अपने पर्पस के लिए होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन चूंकि वो बनाए जाते हैं ख़ास तरह के कारपेट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, उसमें ख़ास इंडस्ट्री है चिनाब टेक्सटाइल मिल। इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, अगर आपको याद होगा ज्योग्राफी में ही चिनाब टेक्सटाइल मिल का मैं जिक्र कर चुका हूँ। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, 1970 में सेटअप की गई थी, लगभग 170,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। के बिरला ग्रुप जो है, बिरला ग्रुप, उन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप की थी। तो यहाँ पे मैनमेड और नेचुरल दोनों तरह का जो धागा है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हमारे कश्मीर में भी सेटअप हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो मेन इंडस्ट्री हैं वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट हमको देखने को मिलता है, फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां हमको अपनी स्टेट में देखने को मिलती हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हमको देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये देखने को हमको मिलती है, पेंट की फैक्ट्रीज हमको देखने को मिलती हैं, इवन कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं पेप्सी के, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये देखने को मिलती हैं। और हाल ही में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होती है, जहाँ तक मुझे याद है, जैसे कोडेक जो है, कोडेक के जो टेलीविजन्स हैं, एलईडीज़ वगैरह जो हैं, वो हमारे स्टेट में भी मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके अलावा हमारी स्टेट में पावर जनरेशन जो है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल 20,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इनका रखरखाव करता है और उनके हथे मट्टे है ये सब, ठीक है। तो कॉरपोरेशन के पास 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं अभी तक स्टेट में। कहाँ कहाँ है मेजर प्रोजेक्ट्स? देखो, बगलिहार में है, उड़ी में है, चिनैनी में है, दुलहस्ती और सलाल में है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो ये बिजली जनरेट करते हैं, उसके बाद इस बिजली को बेचते हैं और वहाँ से रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे बढ़ सके, सेकेंडरी लेवल बढ़ सके, तो इसके अलावा इसमें क्या किया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट होता है ऐसी जगह, कहीं इलाके में ऐसी जगह रिजर्व कर दी जाती है जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकें, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकें, बाद में वहाँ पे रियायती दरों पे जो है इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, या तो इस लगभग मिल मोड़ छवानन और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ सेटअप हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, हर स्टेट में इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, जिसको आप सिडको भी बोलते हो, अक्सर सीका बोलते हैं, आधे सिडको बोलते हैं। तो हर जगह में इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हैं वो हैं। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे बारामूला अनंतनाग में है, जैसे बारामूला बग्गी अली मर्दन खा
रंगरेट, खानमू, ये बारामूला अनंतनाग में है। उसके बाद जम्मू में बड़ी ब्रह्मणा में है, सांबा में है, कुठुआ में है, जम्मू डिवीज़न में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, जगह दे दी गई हैं। तो उसी तरह लद्दाख में भी, लेह में भी हैं कुछ इलाके जहाँ पे जगह दे दी गई है ताकि आप वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सको। अच्छा ठीक, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या क्या बनाया जाता है देखो, जैसे कि एग्रो पैकेटिंग वाटर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, वेयर हाउसिंग का भी बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, बहुत सारी क्रॉप पेरिशेबल होती हैं, तिमचन ज़्यादा काल स्टिकन के हैं, तो उसके लिए क्या होता है कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि कोल्ड स्टोरेज दे दिया ताकि कल को ऐसा ना हो कि तिमगसन ख़राब। तो जो जिनका लाइफ टाइम ही महीना 15 दिन 20 दिन होता है, तो वैसे फ्रूट्स एंड क्रॉप्स को क्या कर दिया जाता है तिमची वन वह कोल्ड स्टोरेज थावना तक्षण तुम गसन खराब किए। तो कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी एक जो है ग्रोइंग एक इंडस्ट्री है हमारी स्टेट में। ठीक है, अभी एक इंडस्ट्री का मुझे याद आता है, FIL इंडस्ट्री है श्रीनगर में रंगरेट में, वहाँ पे एक वेयर हाउस है। इसी तरह बड़ी ब्रह्मणा में जो है फ्लैक्स पेंटिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसी तरह जॉइनरी मिल्स बहुत सारी हैं, उसी तरह सांबा में पेंट्स की फैक्ट्रियां हैं और दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, कठुआ में जैसे बिस्किट हैं, बिस्किट मिलते हैं वहाँ पे, केसी बिस्किट्स, अच्छा सैनिटरी आइटम्स, टेक्सटाइल, आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा सिफ्ती घी, बहुत मशहूर घी है, घी की कंपनी है, तो वो भी कठुआ में ही मैन्युफैक्चर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो हैं अपनी स्टेट में मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर पे। अब टर्शरी सेक्टर में क्या है देखो, टर्शरी सेक्टर में मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वो चीज़ें हैं जो फिज़िकल नहीं हैं, बट फिज़िकल नहीं है लेकिन फिर भी ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया, टीवी छो, डिश छो तय लोग मत, ठीक है, डिश पे जो आप जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हो तो एक सर्विस है, मोबाइल फ़ोन पे जो आप जियो एयरटेल है ये सर्विस है, टेलर जो है उसको आप कपड़ा देते हो वो आपको उसका सूट बना के दे देता, तो टेलर जो है वो एक सर्विस है। ठीक है, तो आप उसको सर्विस के, जैसे बार है वो एक सर्विस है, तो ये सर्विस सेक्टर जो है ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है। तो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादातर कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे कि बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग मैंने अभी बताया, पोस्ट और टेलीग्राफ आता है यानी कि कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी यानी कि अस्पताल, यहाँ ये हस्पताल गए, यहाँ ये टेस्ट वेस्ट होते करना वो चीज़ें, यहाँ टूरिज़्म और हेल्थ। अब इसमें से मेजर जो सर्विस सेक्टर हमारे जम्मू कश्मीर में है टूरिज़्म का, वो आपको मालूम ही है टूरिज़्म कितना बड़ा सेक्टर है हमारे, अगर एग्रीकल्चर के बाद हम किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो है हो गया सीधा और सीधा टूरिज़्म पे। टूरिज़्म पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे कश्मीर में टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे डल लेक, मुगल गार्डन्स, वेरीनाग, पहली पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गंडोला राइड होगी टूरिज़्म इधर गुलमर्ग में, तो इसी तरह अहरबल हो गया, दुधबथरी हो गया, तो इनको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फेमस और वर्ल्ड नॉन टूरिज़्म डेस्टिनेशन है जो बहुत सारे नेशनल, देसी और विदेशी, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी जो है इससे जुड़ी है, और इसीलिए इसका क्या है एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी बन जाता है। और इसी तरह बहुत सारी श्राइन्स भी हैं, जैसे हज़रत अदबल श्राइन हो गया, अमरनाथ जी श्राइन हो गया, हर साल बहुत सारे श्रद्धालु या विजिटर्स आते हैं तिमचीवन। इसी तरह जम्मू में भी बहुत सारे टूरिज्म अट्रैक्शन हैं, पिलग्रिमेज के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे श्री माता वैष्णो देवी जी आते हैं, शिवखोड़ी आते हैं, शारदा शरीफ राजौरी में आते हैं, बूढ़ा अमरनाथ पुंछ में आते हैं, सुध महादेव जाते हैं उधमपुर, और कैलाश यात्रा हर साल होती है डोडा में, और मचेल यात्रा किश्तवाड़ में। तो इस यात्राओं के दौरान भी बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आते
इसी तरह एक पत्नी टॉप है, सनासर है, जो कि बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है। तो बहुत सारे लोकल और आसपास के स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी बहुत सारे नंबर्स में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा मानसर लेक है। तो ये सारी जो हैं ये हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए वो जगहें हैं जिससे हमारी टूरिज़्म सेक्टर जो है मज़बूत होता है। इसके अलावा लद्दाख टाउन जो है, लद्दाख टाउन में भी जो टूरिज़्म का उनका भी तांता पूरा का पूरा साल लगा रहता है। और लद्दाख भी काफ़ी हद तक जो है टूरिज़्म पे ही डिपेंड करता है। और हर साल यहाँ पे भी टूरिस्ट जो हैं आते हैं, वो लद्दाख घूमते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में भी बहुत सारी घूमने वाली जगह हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जिसमें से जैसे पैंगून लेक हो गया। ठीक है, इसके अलावा द्रास में जाते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हेमिस मॉन्टेसरी है, लेह पैलेस है। इन साइट्स को जो है नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर की नेशनल इम्पोर्टेंस है इन लोगों का, इन साइट्स का। तो इसी तरह जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं लद्दाख टाउन भी आते हैं और बहुत सारा टाइम इन जगहों पे बिताते हैं। जब वो यहाँ पे टाइम बिताते हैं तो वो पैसा भी खर्च करते हैं और उससे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन एक्टिविटीज़ के अलावा जो है वो हो गया बैंकिंग। तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग ने ओवरऑल जो हमारे स्टेट की इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। देखो, आप इकोनॉमी तब तक बूस्टअप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, ये कहावत है। लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप वो एक्टिविटी कैसे कर सकोगे जो आपको करनी है। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो सेटअप किया था 1938 ने। तो उसने स्टेट की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान कह लो, हाथ कह लो, या उसका रोल रहा है। बहुत सारे स्कीम्स बैंक ने चलाई, बहुत जिसमें उन्होंने लोन्स दिए, जैसे ये सुमो वाले ने दुतुक लोन, गाड़ी वाले ने दुतुक लोन, ये मान होटल वाले ने दुतुक लोन, ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो जब वो उनके पास पैसा आया तभी वो बिजनेस के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर पाए, तभी वो सर्विस दे पाए, अच्छा ठीक, तभी वो कंस्ट्रक्शन कर पाए। जब होटल वालों को पैसा मिला बैंक के थ्रू, लोन के थ्रू, उनने होटल कंस्ट्रक्ट किए। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बैंक ने भी, जम्मू कश्मीर बैंक ने भी हमारी स्टेट की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं कि अगर ये सब है तो हमारे क्या इश्यूज़ हैं कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उस लेवल पे नहीं हैं, इकोनॉमिकली हम उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे हम लोगों को होना चाहिए, हमारे स्टेट को होना चाहिए। देखो, हर जगह हर्डल्स होती हैं, मुश्किलात हर जगह होती हैं, हमारे स्टेट के साथ भी कुछ मुश्किलात हैं। तो उन्हीं मुश्किलात को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली मुश्किलात है हमारे पास पुअर रोड कनेक्टिविटी। देखो, जो जो मेन चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो होती है कनेक्टिविटी। तो वो हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है। जैसे रामबन टू बानिहाल का जो रोड है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड है, अक्सर बारिश में रोड ढह जाती है, पूरी पूरी रोड ढह जाती है। वो आपके सामने एक पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ। तो उस वजह से क्या है कि रोड अच्छी नहीं है तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस वजह से जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी थोड़ी रुक जाती है। जब आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, छा ठीक। तो वो एक है। हालांकि अभी काम चल रहा है, रेलवे का भी काम चल रहा है, रोड का भी काम चल रहा है। तो आप देखेंगे कि रेल और रोड जब पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, चाहे वो टूरिज्म की एक्टिविटी हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो, तो बन जाएगा। क्योंकि जो मार्केट का अप्रोच है वो बढ़ जाएगा, जब मार्केट का अप्रोच बढ़ता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा भी नहीं है कि देखो हमारे स्टेट में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट बन गया है हमारी स्टेट में कि इस तरह का जो है वो ज़्यादा सेफ है हमारे लिए, सिक्योरिटी का हमारे दिमाग में कि गवर्नमेंट जॉब पूछे सिक्योरिटी या, तो वो एक तो रुझान है, सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, ठीक है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो बिज़नेस के आइडियाज़ हैं या उनका जो रुझान है बिज़नेस की तरफ वो कम है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो चीज़ होता है तो उस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ना ही आप किसी तरह से इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर पा रहे हो। तो इस तरह से क्या है कि अगर लोग गवर्नमेंट जॉब जॉब्स की ये सोच को छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करें, यानी कि कुछ अपना बिजनेस सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करें, एक तो वो इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, दूसरा वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तीसरा वो खुद भी कमाएंगे और साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं उनको भी एंकरेज करेंगे कि आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ और जो है क्या करो, अपनी जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में आप हेल्प करो। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि टर्शरी सेक्टर जो इम्प्रूव बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी स्टेट की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का ग्रोथ तभी होती है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है। टर्शरी पे जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो स्टेट का जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम वो कम ही होती है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि यहाँ पे भी ज़्यादा जो है लोगों का कंसर्न टर्शरी सेक्टर पे रहता है, सर्विस सेक्टर पे, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी पे कम। अब जितना ज़्यादा हम प्राइमरी और सेकेंडरी पे यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। उसके बाद जो तीसरी रीज़न है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। बहुत देर से, मोर देन 50 ईयर्स मुझे लग रहा है कि 50 ईयर्स मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहा है हमारी स्टेट में, वन वे और अनदर वे। तो वो एक अनसर्टेनिटी ले आता है कंज्यूमर के लिए भी और जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस सेटअप करना चाहता है स्टेट में उसके लिए भी, कि वो करे ना करे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई, पत्या करे, बिजनेस चलिया ना चलिया, क्योंकि कोई भी अपना पैसा लगा के मेहनत लगा के डुबाना नहीं चाहता, कहाँ छूने यासन पानी नुकसान करना उनके हैं। तो जब इस तरह के हालात स्टेट में रहेंगे, इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स के स्टेट में रहेंगे, तो जो लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक एक्ट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस वजह से भी क्या होती है कि जो इकोनॉमी है स्टेट की वो हैम्पर होती है, और जब वो हैम्पर होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है, उससे क्या होता है हार्डशिप होती है, ठीक है, और पैसा इतना ज़्यादा सर्कुलेट होता नहीं है और इकोनॉमिकली जो है वो स्टेट पीछे, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड पोजिशन पे आ जाती है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, जल्दी हम बाकी दो चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आपका कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और रेगुलरली वीडियो देखो, सारे चैप्टर जितने भी अभी तक पढ़ाए हैं सारे अपलोडेड हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको अपने पेस और अपने टाइम से आप जब चाहो देख सकते हो, लेकिन देखना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला, बीच में से कोई लेक्चर देखोगे ऐसे समझ नहीं आएगा, सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखने तभी आपको समझ आएगा। बीच से देखोगे तो सिर्फ आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, क्योंकि रेफरेंस हमेशा मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में भी जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है, दूसरा लेक्चर पहले से कनेक्टेड है, तीसरा दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसे इकोनॉमिक्स में भी अभी इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा, अपने 9th की इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट लिए इसमें, और ज्योग्राफी के भी कुछ कंसेप्ट जो हम इसमें पढ़े। तो इसलिए आपका ये नहीं है कि तो मंझ पर्यो का चैप्टर तो बोलो ना अंतरिक्ष फिक्र, नहीं, आपको डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा।
तो कोई तो बस इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगा।